देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। भैया, आपने जिला पंचायत चुनाव को लेके काफी लोग आपका नाम और बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, इस पे कुछ आप कहेंगे क्या? नहीं, बैनर पोस्टर मेरी फोटो के लगाने के लिए पहले चुनाव तो डिक्लेयर हो। अभी तो कोई चुनाव की तिथि नहीं आई, तारीख नहीं आई, अभी तो केवल सदस्यों का आरक्षण हुआ है। जब तक जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हो जाता, अध्यक्ष पद के आरक्षण होने के पहले मैं किसी को भी अधिकृत नहीं कर रहा हूँ। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव की जब तारीखें घोषित होंगी उसके बाद पार्टी और संगठन और सभी सहयोगी साथियों के साथ बैठकर मैं तय करूंगा, सबसे बात करूंगा और कोशिश ये करूंगा मैं अपनी तरफ से कि सामंजस्य बैठा के और अपनी तरफ से एक एक क्षेत्र में एक ही एक प्रत्याशी उतरे। अभी मैंने किसी को भी कहीं भी कोई अधिकृत नहीं किया है। अगर कोई अगर उत्साही कार्यकर्ता हमारा सहयोगी साथी ऐसा रहा है जो हमारी फोटो लगा रहा है बैनर पोस्टर में, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अभी से कुछ भी आप लोग ऐसा मत करिए कि भ्रम की स्थिति निर्मित हो। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपना जमीन तलाश लीजिए, लोगों से मिलिए, मुलाकात करिए। जब हमको गांव-गांव से लोग बोलेंगे कि भैया ये प्रत्याशी ठीक है, ये जीत सकता है, तो और पार्टी संगठन के लोग जो बोलेंगे, सबके साथ बैठ के अंत में तय करेंगे जब तारीखें घोषित करेंगे। अभी मेरा किसी प्रकार से कहीं भी पूरे जिले में, ना जनपद में, ना जिले जिला पंचायत सदस्य में कहीं कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं। सोशल मीडिया में खुलेआम आपका आशीर्वाद कहा गया और खुलेआम लिखा जा रहा है कि आपके आशीर्वाद प्राप्त है और हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरे पास जो आशीर्वाद मांगने आएगा दूंगा, जो मेरे से छोटा होगा उसको आशीर्वाद देने का मेरे को अधिकार भी बनता है कि मेरे से अनुज है, छोटा है, तो आशीर्वाद तो मेरे सबको रहेगा। और हो सकता है चुनाव में ये परिस्थिति भी निर्मित हो जाए कि एक ही जिला सदस्य क्षेत्र से 8 लोगों को मैं आशीर्वाद दे दूं। अगर नहीं मानेंगे, 7-8 लड़ गए और मेरे अपने सब 7-8 सामंजस्य बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठेगा तो 8 को आशीर्वाद देंगे, फिर कोई एक पोस्टर लगाए, फिर चाहे 8 लोग मेरी फोटो लगा लें, ये उनके ऊपर है, लेकिन अभी कोई भी अधिकृत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।